नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 14 जनवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने अकाउंटेंट और अकाउंट असिस्टेंट पद के लिए निकाली रिक्तियां। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने अकाउंटेंट और अकाउंट असिस्टेंट पद के लिए 84 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीकॉम या सीए इंटर या ICWA इंटर और 6 महीने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टैली के साथ योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28/1/2021 से पहले बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। आज है मकर संक्रांति। आज पूरे बिहार में मकर संक्रांति का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज ही के दिन हर साल लोग सुबह उठकर दही चूड़ा तिल तिलवा का सेवन करते हैं। आज ही के दिन पतंगबाजी की प्रतियोगिता भी होती है। पौष महीने में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी महीने के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में भी इसे केवल संक्रांति के रूप से जानते हैं। बिहार में कोरोना वैक्सीन की होगी लाइव वेबकास्टिंग। बिहार समेत पूरे देश में 16 जनवरी से वैक्सीन देने का काम शुरू किया जाना है। वहीं वैक्सीन देने से पहले सरकार ने अपना फरमान जारी किया है, जिसके तहत टीकाकरण के शुरुआती दिन बिहार में टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत लाइव वेबकास्टिंग से होने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप कोरोना टीकाकरण केंद्रों से स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में बैठे अधिकारी और जिले के सिविल सर्जन इससे लाइव जुड़े रहेंगे और निगरानी करेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को सभी टीकाकरण केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 की स्क्रूटनी तारीख हुई जारी। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 के केंद्रीय चयन पर्षद की विज्ञापन संख्या 2/2019 की भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी तारीख जारी कर दी गई है। केंद्रीय चयन पर्षद ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के तहत होने वाले सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता संपन्न हो चुकी है। CSBC बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती 2019 के शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत फाइल की स्क्रूटनी पटना स्थित परिषद कार्यालय में होगी। गया का गुरारू अब औद्योगिक हब के रूप में होगा विकसित। गया के गुरारू को अब औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत गुरारू चीनी मिल की जमीन को अब बियाडा के नाम पर कर दिया गया है, जिसके म्यूटेशन का काम जारी है। बिहार राज्य चीनी निगम के नाम से चल रहे इस जमीन की दाखिल खारिज के लिए अंचल कार्यालय में बियाडा के नाम पर कर देने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बियाडा की तरफ से दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया गया है। 1-2 हफ्ते में काम पूरा होने की जताई जा रही है। ITI में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स हुआ जारी। ITI में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अहम सूचना। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बुधवार को ITI की 25,235 सीटों पर एडमिशन के लिए सीट मैट्रिक्स को जारी कर दिया है, जिसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2020 में सफल छात्र 15 जनवरी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की भी तारीख जारी कर दी गई है। ITI ट्रेड की विभिन्न सीटों पर स्टूडेंट्स का एडमिशन रैंक के आधार पर होगा। बिहार में कोरोना के मिले 200 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 294 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,57,629 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 99 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बेगूसराय में 20 और नालंदा में 15 मामले सामने आए हैं। बिहार में एक बार फिर लौट आई ठंड। बिहार में बीते कई दिनों से लोगों को ठंड से राहत मिल गई थी, हालांकि एक बार फिर से मौसम ने यू टर्न ले लिया है। IMD पटना की माने तो आने वाले दिनों में ठंड का असर और ज्यादा बढ़ने वाला है। वहीं ठंड के अचानक बदले तेवर पर IMD की रिपोर्ट की माने तो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में विकिरण की प्रक्रिया बाधित हुई है, इससे ठंड भी बाधित हो गया था। बंगाल की खाड़ी में समुचित मात्रा में नमी आने से तापमान ज्यादा नीचे हालांकि दर्ज नहीं किया गया है। मौसमविदों की माने तो इस हफ्ते के अंत तक ठंड के और ज्यादा बढ़ने के आसार जताए गए हैं।
इंडिगो स्टेशन मैनेजर के साथ हुए वाकया पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की उठी मांग। बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की जान लेने के वाकया के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस मामले को लेकर अब विपक्षी दल ने सीबीआई जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर ट्वीट जारी करते हुए कहा कि अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों की हर दिन संख्या बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध है। उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, वो अविलंब इस्तीफा दे। सीबीएसई ने जारी किया सीटीईटी का एडमिट कार्ड। 31 जनवरी को आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसके बाद परीक्षार्थी सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर cteet.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए 3 लिंक जारी किए हैं। परीक्षार्थी अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पहले सीटीईटी परीक्षा देश में 112 शहरों में होनी थी, लेकिन अब 135 शहरों में आयोजित होगी। फर्जी डिग्री के आधार पर बने शिक्षकों के मामलों में राज्य सरकार से जवाब तलब। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूल में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक बने अभ्यर्थियों के मामले में राज्य सरकार से जवाब की मांग की है, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में पूरा ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पांडे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना बयान जारी किया है और कहा है कि जवाब देने के लिए राज्य सरकार को आखिरी मौका दे दिया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के स्कूल में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। पीएचडी मंत्री ने सभी खराब चापाकल के मरम्मत की कही बात। प्रदेश में खराब और बंद पड़े चापाकल को दोबारा से ठीक करने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर बिहार सरकार ने पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि प्रदेश में खराब और बंद पड़े चापाकलों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग के अधिकारी सभी जिले में डेटा की मांग भी करने लगे हैं। सभी जिलों में डाटा आने के बाद बंद चापाकलों को ठीक करवाया जाना है, ताकि गर्मी की तैयारी अभी से शुरू की जा सके। विभाग अपने काम को लेकर आगे की रणनीति बनाकर काम करती है। आपको बता दें, बिहार में पेयजल की गंभीर समस्या को देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है। 15 सूत्री मांगों को लेकर 22 जनवरी को सफाई कर्मियों की होगी हड़ताल। पटना जिले के नगर निगम के सफाई कर्मी एक बार फिर से हड़ताल पर जाने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार नंदकिशोर दास के नेतृत्व में बैठक का आयोजन करवाया गया था। आयोजित इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 22 जनवरी से चरणबद्ध तरीके से हर अंचल कार्यालय में सफाई कर्मी काम बंद कर आंदोलन करने वाले हैं, साथ ही निगम प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं। बता दें कि नगर निगम में सफाई कर्मियों के रिक्त पदों पर बहाली लेकर भी कर्मी लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। सफाई यूनियन के नेता नंदकिशोर दास ने कहा है कि नगर निगम जल्द इन रिक्त पदों पर सफाई कर्मियों की बहाली करे। किसानों से कृषि मंत्री ने एमएसपी पर धान खरीदे जाने की कही बात। किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अब दावा किया है कि जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में किसानों की धान की खरीदारी लगातार की जा रही है। पैक्स के माध्यम से किसानों को समर्थन मूल्य मिल रहा है और इस बाबत उन्होंने आगे कहा है कि 2014 में पैक्स का जो भी राशि बकाया थी उसे सरकार ने चुका दिया है, साथ ही पैक्स को धान खरीदने के लिए भी राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पैक्स का बकाया 850 रुपये की राशि विभाग ने दे दी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। 1551 में अकबर के नवरत्नों में शामिल अबुल फजल का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1761 में मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अबादली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई आज ही के दिन हुई थी। 1926 में प्रख्यात लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1979 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु आज ही के दिन रखा गया था। 1937 में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। 1982 में इंदिरा गांधी ने नए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का ब्यौरा आज ही के दिन पेश किया था।
बिहार की काबा वाली नेहा सिंह के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। बिहार में काबा गाने से चर्चा में आई नेहा सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जौनपुर में मामला दर्ज करवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार नेहा के गाने चला देखी आई जौनपुर के बीएड कॉलेज को आपत्तिजनक बताते हुए यह मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत नेहा के खिलाफ ACGM चतुर्थ की कोर्ट में मामला दायर कर लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि गाना जारी होने के बाद अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव और उपेंद्र विक्रम सिंह ने लीगल नोटिस जारी करते हुए नेहा से लिखित में माफी मांगने की भी बात कही थी, जिसका जवाब नहीं आने पर ही मामला दर्ज किया गया है। जमुई के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 16 मार्च 1983 को स्थगित इस संग्रहालय का नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता चंद्रशेखर सिंह के नाम पर पड़ा। वो 1983 से 85 तक बिहार में मुख्यमंत्री थे। संग्रहालय में महान पुरातत्वीय महत्व के पुराने पत्थर और 178 मूल्यवान वस्तुएं संग्रहित है। यह संग्रहालय पालकालीन कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। देश विदेश के दर्शक, शोधकर्ता एवं विद्वान यहां संग्रहित पालकालीन कलाकृतियों को देखने और उसका अध्ययन करने आते हैं। चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय जमुई में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक की पाषाण मूर्तियां प्रदर्शित है, जिसमें सबसे प्राचीन प्रतिमा नोनगढ़ से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा है। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को शिक्षा का अभ्यर्थियों ने दिखाया काला झंडा। सरकारी योजना से निराशा का एक और मामला हाल ही में सामने आया है। यह वाकया बेगूसराय जिले का है, जहां कार्यक्रम में हिस्सा लेने बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे थे। हालांकि गुस्साए लोगों ने अशोक चौधरी को ही काला झंडा दिखाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्साए अभ्यर्थियों ने कार के शीशे को भी तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद अशोक चौधरी को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि किसी तरह उनके सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सही सलामत वहां से निकाला। तेजस्वी यादव ने सरकार पर फिर किया वार। बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश कुमार सिंह की सरेआम जान लेने के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। वहीं विपक्ष भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार में सिलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री आए हैं, इनसे गृह विभाग नहीं संभल रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा खुद सरकार का हिस्सा होते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सवाल के घेरे में खड़ा कर रही है। कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लालू यादव ने आज मकर संक्रांति पर गरीबों को दही चूड़ा खिलाने का जारी किया ऐलान। रांची में सलाखों के पीछे बंद लालू यादव ने त्योहार के दिन गरीब परिवारों तक दही चूड़ा पहुंचवाने की बात उन्होंने कही है। इसको लेकर पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पार्टी सुप्रीमो के निर्देश को ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का निर्देश है कि सभी विधायक, नेतागण, कार्यकर्ता मकर संक्रांति के दिन गरीब गुरबों को दही चूड़ा का भोज कराए, जिसको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी रीट्वीट किया है। सिक्किम के खिलाफ बिहार को मिली शानदार जीत। बीते दिन चेन्नई के SSN कॉलेज के ग्राउंड 2 पर BCCI द्वारा आयोजित सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में बिहार का दूसरा मुकाबला सिक्किम के साथ खेला गया, जिसमें बिहार ने सिक्किम को 8 विकेट से पराजित कर कुल 4 अंक अर्जित करने में सफल रही, जिसकी जानकारी देते हुए BCA मीडिया कमेटी के संयोजक कृष्णा पटेल ने बताया है कि आज खेले गए इस मैच में सिक्किम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 110 रन का स्कोर खड़ा किया था और बिहार के सामने जीत के लिए 111 रनों का लक्ष्य रखा, जिसको बिहार ने 2 विकेट के नुकसान पर आसानी से पार कर लिया। पटना में 16 केंद्रों पर वैक्सीन की तैयारी की गई पूरी। कोरोना के इस लड़ाई के बीच 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही है। वहीं इसी क्रम में बिहार में वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू हो गई है। राजधानी पटना में कुल मिलाकर 16 केंद्रों का चयन किया गया है, जिसमें PMCH मेडिकल कॉलेज, NMCH मेडिकल कॉलेज, IGIMS मेडिकल कॉलेज, पारस हॉस्पिटल, प्राइवेट बिग अपोलो हॉस्पिटल, प्राइवेट रूबन हॉस्पिटल, प्राइवेट CHC फतुहा, HDH मसौढ़ी, HDH बाढ़, PHC बेटा, PHC बख्तियारपुर, HDH दानापुर, PHC मनेर, GGS पटना, सिटी PHC फुलवारी, PHC धनरुआ के नाम शामिल है।
अब तक केवल 43 आईपीएस ने ही दिया संपत्ति का विवरण। बिहार कैडर के 43 आईपीएस अधिकारियों ने ही अब तक साल 2020 की वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी ऑनलाइन जमा करवाई है। इसको लेकर गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। इसको लेकर गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने इस बाबत पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर बाकी आईपीएस अफसरों को 31 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन विवरण जमा करने का निर्देश जारी करने को कहा है। ऋषभ पंत के गांठ खराब करने के मामले में स्टीव स्मिथ ने दिया अपना बयान। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने सिडनी टेस्ट के पांचवें दिन खेल के दौरान ऋषभ पंत के क्रीज पर लगाए गए निशान से छेड़छाड़ करने के आरोपों पर हैरानी और निराशा जताई है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इससे भारत की शानदार बल्लेबाजी की चमक कुछ फीकी हो गई। खेल के दौरान ड्रिंक्स ब्रेक के समय के वीडियो फुटेज में स्मिथ को क्रीज के पास बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए निशान से छेड़छाड़ करते देखा गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि हम हर मैच में ऐसा करते हैं। नेटफ्लिक्स का ऐलान, 2021 में दर्शकों को हर हफ्ते देखने मिलेगी नई फिल्म। लॉकडाउन की वजह से बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों ने थिएटर की बजाय सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म का रुख कर लिया है। ऐसे में नेटफ्लिक्स ने भी बड़ा ऐलान किया है। नेटफ्लिक्स ने इस साल दर्शकों को हर सप्ताह एक नई फिल्म दिखाने का दावा किया है। 2021 में यह प्लेटफॉर्म 70 नई फिल्मों को रिलीज किए जाने का ऐलान कर चुकी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्वेता रॉय, प्रदीप, रंजीत कुमार, मोहन रॉय, अमरजीत झा, दिव्यांशु कुमारी, सोहराब अली, सुजीत तिवारी, श्याम कुमार, अनिल कुमार, राकेश कुमार, गुड्डू कुमार, साहिल कुमार, अजय प्रसाद, पूनम कुमारी, अमरजीत कुमार, राजीव रंजन। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के किस अभिनेता ने अब तक बिहार का सबसे ज्यादा मान बढ़ाया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।